मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जाट वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, ये जाट समाज की पहली मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से है। दूसरी मांग है, जाट समाज के आराध्य भगवान तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस तेजादशमी पर एक दिन का प्रदेश में शासकीय अवकाश घोषित किया जाए। केंद्र की भर्ती परीक्षाओं में जाट समाज को ओबीसी में शामिल किया जाए। जाट समाज के शैक्षणिक भवन के लिए भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में भूमि आवंटित की जाए। चुनाव के समय जाट समाज को राजनीतिक नेतृत्व देने के लिए जाट समाज के 10 उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट दिए जाए। ग्वालियर में स्थित महाराजा भीम सिंह राणा की छतरी एवं भीमताल को यथा स्थान पर संरक्षित किया जाए एवं ओंकारेश्वर में स्थित जाट धर्मशाला को भी यथा स्थान पर रखा जाए। हमारे जाट समाज के महापुरुषों के इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है उसे बंद किया जाए और इतिहासकारों की एक टीम बनाकर उसे सुधारा जाए। पूर्ण विजेता जाट सम्राट यशोधर्मन वीर्क की मूर्ति भोपाल में स्थापित की जावे एवं मंदसौर में स्थित मूर्ति के शिलालेख के नीचे जाट सम्राट यशोधर्मन वीर्क अंकित किया जाए। जोगा जाट किले की मरम्मत कराकर उसे जाट राजा जोगा जाट द्वारा निर्मित स्मारक ऐसा शिलालेख लिखकर वहां पर लगाया जाए। जाट महापुरुषों के इतिहास को मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षाकरण के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। चंदेरी के राजा पूरनमल जिन्होंने बाबर को हराया था, यशोधर्मन वीर्क जिन्होंने विश्व विजेता हूणों को हराया था, गोहद नरेश महाराजा भीम सिंह राणा जिनके किले को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, जिनके राज्य में 360 से ज्यादा किले और गढ़िया थे, आजाद हिंद फौज के संस्थापक राजा महेंद्र प्रताप जी, हिंदू धर्म रक्षक महाराजा सूरजमल जी, महाराजा रणजीत सिंह जी, वीर गोकुला, भक्त शिरोमणि कर्माबाई, धन्ना भगत, उपरोक्त सभी महापुरुषों की प्रतिमा पूरे प्रदेश में स्थापित की जाए एवं इन्हें मध्य प्रदेश के शिक्षा क्रम में शामिल किया जाए। ये तमाम जो मांग पत्र है वो मध्य प्रदेश जाट समाज के द्वारा बनाया गया है। अब मैं विलंब ना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं, आप जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान।